हेलो एवरीवन, आज है 16 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए, 74 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और आज भी हल्की सी गिरावट यहाँ पर जरूर आई। हालांकि मार्केट में आज रौनक थी, लेकिन इंडियन ऑयल के शेयर में उतनी बड़ी रौनक देखने को नहीं मिली है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे इंडियन ऑयल के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है और अभी कुछ रिपोर्ट्स भी निकल कर सामने आ रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लेकर, और इवन पेट्रोल और डीजल का जो कंजम्पशन हो रहा है उसको लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है, तो उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 74 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 10% की गिरावट है। 82 रुपीज के लेवल से टूटकर नीचे आया, 71 रुपीज तक पहुंचा, तेजी आई 76 तक गया, लेकिन बाद में फिर से अगर हम देखें तो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो 49% की गिरावट है। 150 रुपए के लेवल तक का यहाँ पर हाई था, गिरावट आई 71 रुपीज तक, शेयर टूट गया, फिर से तेजी आई और शेयर पहुंच गया सीधा, आप देखिए 90 रुपए से भी ऊपर। फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई और अगेन शेयर ने 71 रुपीज का मुंह देखा। बाद में फिर से तेजी आई, अब फिर से थोड़ा सा प्रेशर अभी क्रिएट हो रहा है। 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में इंडियन ऑयल के शेयर में 64% की गिरावट है। 217 रुपए के लेवल से शेयर कंटिन्यूअस टूट रहा है, कंटिन्यूअस टूट कर नीचे ही नीचे आ रहा है और अभी तेजी के संकेत धीरे धीरे थोड़े मिल तो रहे हैं। 10 साल का अगर हम बात करें तो 10 साल का जो ग्राफ है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां से आपको पता चलता है कि ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5 या 10 साल का गेम खेले, जिसको आप खरीद के भूल जाए। ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर आप खरीदारी करोगे और प्रॉफिट होने पर आपको यहाँ से एग्जिट भी कर लेना है। 227 रुपए के लेवल से शेयर अगर हम देखें, 2017 से एक भयंकर गिरावट की चपेट में है ये शेयर। पिछले 3 साल जो है वो इनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। लार्ज कैप शेयर है ये, 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। एफआईज और म्यूचुअल फंड दोनों ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया। सितंबर की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग एफआईज के पास 6.07% की होल्डिंग है, जो पहले 6.33% थी। मतलब एफआईज ने होल्डिंग को कट डाउन किया है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है, 6.51% की होल्डिंग 5.74% है। मतलब म्यूचुअल फंड ने भी बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी गिराई है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी की है, 7.13% की जो होल्डिंग थी आज वो 7.57% है। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन किया है। प्रमोटर मतलब सरकार, यहाँ पर सरकारी शेयर है ये। एफआईएस और म्यूचुअल फंड ने हल्की सी होल्डिंग को गिराया है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है। प्रमोटर की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 51.50% की होल्डिंग के साथ, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 29 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 464 एफआईएस का भी यहां पर पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको ओएनजीसी देखने को मिल रहा है, 14.20% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.58% है। देखिए, डिविडेंड बहुत अच्छा पे कर रहा है ये, 42%, मतलब पर शेयर आपको 4.25 रुपए का डिविडेंड यहां पर मिल रहा है। आईओसी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रेशर है शेयर के ऊपर। अभी भी जो कोरोना का खतरा बना हुआ है, अभी भी जो फिर से लॉकडाउन की जो खतरा बना हुआ, इवन बाकी देशों में लॉकडाउन की अपडेट भी आ रही है कि फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि इंडिया में दोबारा लॉकडाउन लगना अभी के तौर पर मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इंडिया में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन बाकी देशों में अगर लॉकडाउन लगता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर इंडिया के ऊपर भी पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 22% लोग बेचने की बात करें, 3% लोग होल्ड करने की बात करें। मतलब 78% लोग टोटल, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 22% लोग यहां पर बिकवाली करने की सलाह भी आपको दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखने जाए तो देखिए, इंडियन ऑयल के जो चेयरमैन है उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था कि प्री कोविड लेवल तक पहुंचने में अभी भी उनको जनवरी क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 तक का टाइम उनको लग जाएगा।
और हालांकि क्वार्टर टू तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्वार्टर थ्री तक का भी अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो डिमांड है वो लौट कर आना शुरू हुई है। हालांकि उन्होंने कहा था कि जो डिमांड है वो जनवरी तक प्री कोविड लेवल तक वो लोग पहुंच जाएंगे, अगले साल जनवरी तक प्री कोविड तक वो लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि ऑलरेडी अभी अगर हम देखें तो पेट्रोल और डीजल का जो कंजम्पशन है वो प्री कोविड लेवल तक पहुंचने की कगार पर है। तो धीरे धीरे वहां पर स्पाइक देखने को मिली है, धीरे धीरे कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है, अनलॉक के फेज में हम लोग आ चुके हैं, जो हैवी व्हीकल्स है वो भी अब चलना शुरू हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो डीजल की बिक्री है वो भी अब तेजी पकड़ रही है। पेट्रोल की बिक्री ने ऑलरेडी तेजी पकड़ी, तेजी देखने को मिली थी, लेकिन डीजल की बिक्री अब अभी भी कम थी, लेकिन अब डीजल की बिक्री में भी धीरे धीरे उछाल देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छे संकेत है। उसके अलावा अगर हम देखें तो पिछले दो क्वार्टर उनके लिए, पिछला जो मार्च क्वार्टर था वो अच्छा नहीं था, 9,101 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था, और जिस दिन ये नतीजे आए थे तब वीडियो बना तो मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि ये वन टाइम इन्वेंट्री लॉस है, इससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली शेयर रिकवर कर जाएगा। और जून में वही हुआ, 2,130 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने रिपोर्ट किया, जो काफी अच्छा है क्योंकि इससे पहले 2,500 करोड़ और 3,300 करोड़ तक के प्रॉफिट हमें देखने को मिल चुके हैं यहाँ पर। सितंबर क्वार्टर के अब नतीजे कैसे आएंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छे हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्री कोविड लेवल्स, मतलब ऑलरेडी हम अगर हम बात करें तो अनलॉक के फेज में आ चुके थे, तो कहीं ना कहीं फायदा इनको जरूर मिला था। तो ओवरऑल आईओसी के बारे में मैं बात करूं तो देखिए एक चीज तो श्योर है कि 1-1.5 साल बाद डेफिनेटली ये शेयर अपने इस प्राइस से तो काफी ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम प्री कोविड लेवल का जो उसको क्रॉस कर ही देंगे, और जो कंजम्पशन है पेट्रोल और डीजल का वो भी डेफिनेटली शुरू हो जाएगा, लोग काफी मात्रा में लोग ट्रैवल करना भी शुरू कर देंगे, तो ऐसे में ये शेयर जो है वो फायदा जरूर करा के दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कितना नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, खरीदारी की है और अगर आपका नजरिया कम से कम 1 साल का है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है, और सरकारी शेयर है, डूबने वाली कंपनी नहीं है, जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उसमें शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन कंपनी बर्बाद नहीं होगी, कंपनी डेफिनेटली रिकवर कर जाएगी। दूसरी चीज, फ्रेश बाइंग करना चाहो करो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अभी भी थोड़ा सा अनस्टेबल है इसका मार्केट, तो एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। अगर आपको 1,000 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, अगर 3-4 अगर 2-3 रुपए और नीचे गिरेगी ये शेयर तो और 200 क्वांटिटी ऐड कर लो, फिर वेट करो, 2-3 रुपए और गिरे तो और 200 क्वांटिटी ऐड कर लो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, और कम से कम 1 साल का प्लान लेके चलें। देखिए अगर आपका नजरिया कम से कम 1 साल का हो तो ही यहाँ पर खरीदारी करो, शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड करोगे तो ही बेहतर होगा, जल्दबाजी करने जाओगे फंस जाओगे, शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड करें, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आई थिंक काफी बेहतर शेयर आपके लिए साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, कम से कम 1-1.5 साल का नजरिया हो तो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें, अगर चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।